ओके फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले किस तरह से यूएसपी डिबगिंग को ऑन कर सकते हैं अपने फोन में। दैन इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल भी होने वाला है। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। यूएसपी डिबगिंग ऑन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में रहने वाला है। अगर आपके पास एयरटेल का फोन है तो उसमें किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, दैन इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब इसमें आपको फाइंड आउट कर लेना है अबाउट फोन को। मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैनुअली में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट सेक्शंस। अबाउट सेक्शंस में चले जाना, अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको सिंपली आपको बिल्ड नंबर पर से फोर्थ टाइम इसे फट टैप करना है। फोर्थ टाइम टैप करने के बाद डेवलपर मोड ऑन कर दीजिएगा तो आपको लॉक पिन मांगेगा। लॉक पिन इसे फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना और डेवलपर मोड आपका ऑन हो जाएगा। डेवलपर मोड ऑन होने के बाद आपको बैक आना है और डेवलपर सेटिंग्स में जाना है। डेवलपर सेटिंग्स में जाने के बाद यूएसबी डिबगिंग इसमें फाइंड आउट कर लेना। आपको यहीं पर यूएसबी डिबगिंग यहाँ पर मिल जाता है। जैसे उसके बाद आपको इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, वार्निंग देगा और इस वार्निंग को पढ़ के आप या ऐप डेवलपमेंट में यूज किया जाता है या कुछ नोटिफिकेशन यूज खातिर ये यूज किया जाता है। बेसिकली ये डेवलपर यूज करते हैं तो इसे ओके करना है। ओके करने के बाद ये डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, सॉरी यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिक सा नॉलेज लग रहा तो मैं एक शॉर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन कोई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।